फ्रेंड्स क्यों ना इस बार बाजार से मिठाई लाने की बजाय रक्षाबंधन पर अपने भाई को कुछ हेल्दी बनाकर खिलाएं, क्योंकि अपने हाथ से बनाई चीज़ में जो स्वाद होता है वो बाजार में ही नहीं होता। तो हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी मैंगो कपकेक्स, जो कि हम बनाएंगे सूजी से। और हमारे कपकेक्स बिना अंडा बिना मैदा बिना कंडेंस मिल्क के बनेंगे, फिर भी हमारे कपकेक्स बिल्कुल बेकड स्टाइल बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक कप सूजी, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं क्योंकि सूजी को ग्राइंड ही करना है। ग्राइंड करने के लिए सूजी को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से हमारे केक का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। लीजिए हमारी सूजी ग्राइंड हो गई है, देखिए हमने सूजी को बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब सूजी को एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे मैंगो, आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है दशहरी आम, इससे हमारे केक का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हमें अलग से कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी आम ले सकते हैं, आम बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। छोटे हैं तो दो आम ले सकते हैं और अगर बड़ा है तो एक ही आम काफ़ी है। आम को छील लेंगे, छील कर मोटा मोटा काट लेंगे क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड ही करना है। लीजिए हमने आम को एक बाउल में डाल दिया है। मेजरमेंट के लिए एक ही बाउल का नाप रखना है। हमने एक बाउल सूजी ली थी तो हम आम 3/4 बाउल लेंगे। अब कटे हुए आम को मिक्सिंग जार में डाल देंगे और आधा बाउल पीसी भी चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए हमने मैंगो और चीनी को ग्राइंड कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मैंगो और चीनी का पेस्ट बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 1/4 कप रिफाइंड डाल देंगे, रिफाइंड शार्प स्मेल वाला नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे, दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको कम से कम 1 घंटे के लिए ढककर रखना है। चलिए अब 1 घंटा हो गया है, अब इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1 ढक्कन विनेगर डाल देंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा दूध भी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। बैटर थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए। अब इसमें 5-6 ड्रॉप्स वनीला एसेंस भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स हम अपने कपकेक्स कटोरियों में और कप में बनाएंगे। सबसे पहले कटोरियों को रिफाइंड से ग्रीस कर लेंगे और फिर सारे कटोरियों में बटर पेपर लगा देंगे। मैंने बटर पेपर को भी राउंड कट कर लिया है। अब पेपर को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम ये कपकेक्स कढ़ाई में बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। अब पेपर कप को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब कटोरियों में केक का बैटर डाल देंगे, बैटर आधा ही फिल करना है, नहीं तो केक बेकिंग के वक्त बाहर निकल जाएगा। कटोरी को इस तरह से टैप टैप करना है। अब बैटर सेट हो जाए तो सारी कटोरियों में इस तरह से बैटर डाल देंगे, इस तरह से कप में भी बैटर डाल देंगे और 1/2 कप भर लेंगे और टैप टैप करके बैटर को सेट कर लेंगे। डेकोरेशन के लिए हमने लिए हैं बादाम और पिस्ता, इनको काट लिया है। इनको कटोरी वाले बैटर पर फैला देंगे और टूटी फ्रूटी कप वाले बैटर पर फैला देंगे। हमने कढ़ाई में नमक डालकर स्टैंड रख दिया है और कढ़ाई को पहले 5 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है। आप चाहे तो नमक डालें चाहे ना डालें, दोनों तरह से केक बन जाएगा। अब कढ़ाई में छलनी रख देंगे और सारे कटोरी वाले केक उसमें लगा देंगे और इसको ढक कर लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाना है। फ्रेंड्स हमने केक के बैटर को कप्स में 1/2 भर लिया है। चलिए अब कप केक्स को ओवन में रख कर आते हैं। ओवन में तो ये केक और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने सारे कप केक्स को ओवन में रख दिया है और ओवन को पहले से ही 2-3 मिनट तक प्रीहीट कर लिया था। अब इन केक्स को 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। देखिए बातों ही बातों में हमारे कप केक तैयार भी हो गए। इनको ओवन में से निकाल लें, देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं ये केक्स, कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसमें टूथपिक डालकर देखते हैं, देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर निकली है, इसका मतलब हमारे केक्स बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। 20 मिनट हो गए हैं, चलिए अब कढ़ाई वाला केक चेक करते हैं। अब इनमें टूथपिक डालकर देखते हैं, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर निकली है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक गए हैं। चलिए अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसको कटोरी में से निकाल लिया है, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी है और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स आप इसको किसको गिफ्ट भी कर सकते हैं और आप अपने भाई को ये केक खिलाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और जब वो खुश हो जाएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वाओ बहुत ही टेस्टी केक है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाकर देखें ये सूजी कपकेक्स और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स।